नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। होटल शिवधनी पर कथा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में शिवधनी होटल के प्रोप्राइटर डब्लू राय ने बताया कि होटल है होटल शिवधनी, जो बाबा का नाम है और उसके बाद बैंकेट हॉल है। इसमें दोनों व्यवस्था है। आज कलश यात्रा निकाला था हम लोग सुबह, अपना ही कुल खानदान के बाबा है तो हम लोग पूजा किए हैं तुला बाबा के नाम से। वो पासी में है और हर कीर्तन 24 घंटा की है। उसके बाद हर कीर्तन समापन के बाद हम लोग यहाँ कलश यात्रा निकाले। उन्होंने अभी बताया कि जो कलश यात्रा आया है श्रीमान भगवत कथा 8 दिन चलेगा। 8 तारीख को कथा का समापन होगा और 10 तारीख को होटल का बनवाए हैं। क्या चीज बना है ये होटल है? होटल शिवधनी, जो बाबा का नाम है, और उसके बाद बैंक्वेट हॉल है। इसमें दोनों व्यवस्था है। होटल शिवधनी के नाम से है एंड बैंक्वेट हॉल। आज कलश यात्रा निकला था सुबह हम लोग। पहले तो अपने पूर्वजों का एक बाबा है, अपना ही कुल खानदान का, तो हम लोग पूजा किए तुला ब्रह्म बाबा के नाम से है, वो पास ही में है, तो हम लोग पूजा किए। उसके बाद वहाँ हर कीर्तन हुआ हम लोग का 24 घंटा। उसके बाद हर कीर्तन समापन के बाद हम लोग यहाँ कलश यात्रा निकाले। आज ही सुबह मॉर्निंग में, जो बहुत अच्छा हुआ, समय से हम लोग चले गए। सभी लोग भूखे थे जो भी कलश यात्रा में लोग गए थे। आज किस प्रकार पूजा हो रही है, कैसे कथा आज हो रही है? और जो कलश यात्रा आया है वहाँ से, तो आज श्रीमद् भागवत कथा हम लोग का 7 दिन चलेगा। 7 दिन चलेगा जी। और उद्घाटन आपका 10 तारीख को है, तो जिसमें 2 तारीख को आज मतलब पहला है, और हम लोग का 8 को इसका विश्राम होगा भागवत कथा का, और 9 को हम गृह प्रवेश हम लोग रखे हैं, और 10 तारीख को इसका भव्य उद्घाटन होगा। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और जितने लोग हैं, जनता जनार्दन, भाई बहन जितने हैं, उन लोगों को भोजन प्रसाद का व्यवस्था रहेगा शाम को। आपके यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होगी होटल की? हमारे यहाँ अभी रेस्टोरेंट 2 महीना बाद खुलेगा, ऐसा ये सत्र चल रहा है दीपावली का। इसी में हिंदू धर्म का मानिए एक जो दिन हम लोग को मिला है शुभ है, उसके बाद हम लोग ये करने के बाद 2 महीने के बाद रेस्टोरेंट का भी काम होगा। तब तक हम लोग का होटल रूम ठहरने के लिए और ये बैंक्वेट हॉल पूरा शादी के लिए, इसमें हम 2 किचन दिए हैं हम लोग। एक है आप पार्टी कोई बुक करती है उस पीरियड में, मानिए आगे वाला किचन, ये पार्क, ये पूरा बैंक्वेट हॉल, जितने रूम है इसमें। स्टेज हम लोग का जिले में किसी के पास नहीं है, जो हम ग्रेनाइट का स्टेज दिए। इसका भी साइज है 16x32 है, जो कम से कम 100 लोग इस पर एक बार पूरा फैमिली के लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ नहीं थी। हम लोग का हाल का 60x90 का है हाल, जिसमें 2 ही कॉलम है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें पूरी VIP व्यवस्था सोफा का रहेगा, मतलब हम लोग का ये नहीं कि वो साधारण वाला कुछ भी लगा दिए, इसमें चल रहा है। उसके बाद रूम, जितने रूम हैं, AC है, पंखा है, उसमें फुल AC है व्यवस्था। उसके बाद ये भी पूरी फुल AC है। और हम लोग का ये लक्ष्य है कि मानिए पूर्वजों के नाम से हम लोग रख दिए, तो मानिए हम लोग सनातनी है, हिंदू से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से, उसी में हम लोग पैदा लिए। हम लोग का ऋषि मुनियों के हम लोग पैदाइशी है, और हम लोग देखे ये राम कृष्ण की धरती है, और राम कृष्ण के हम लोग वंशज हैं। तो जैसे त्रेता युग में हम देखें कि भरत ने राम के न रहने पर भी खड़ाऊ लेकर हम उनका सम्मान बढ़ाए, बड़े के नाते कि वो हमारे हमसे बड़े हैं। उसी लिए हम लोग जिस वंशज के हम लोग तिवारी वंश हैं, इस नाते से हम लोग बाबा का नाम आगे किए कि बाबा का नाम लुप्त ना हो, इस नाते से हम लोग होटल शिवधनी रखे। बाबा का नाम होटल शिवधनी था,
वो भी इस गांव के बहुत पहले महादेव प्रसाद से पहले प्रधान रह चुके हैं यहाँ। ये बहुत हम लोग का सौभाग्य था कि ये बूत गया था, लेकिन हम लोग सोचे कि उसको नया रूप दिया जाए।